आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने एयरटेल नंबर को अपने एटीएम कार्ड से रिचार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन बिना किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए अपने एयरटेल नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है और कैसे इसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ सर्च बार में लिखेंगे ऑनलाइन रिचार्ज एयरटेल। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना होगा ऑनलाइन रिचार्ज एयरटेल। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन रिचार्ज एयरटेल, आपको भी सेम यही लिख के सिंपली सर्च कर देना है। तो सर्च करते ही अब आपके सामने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे कुछ लिंक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपको इन सब लिंक पे क्लिक नहीं करना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि सर्च करने पर आपके सामने जो फर्स्ट और सेकंड या फिर थर्ड जो लिंक आया है, आपको ये सब पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये एयरटेल का ऑफिशियल लिंक नहीं है। यहाँ पे आप ऊपर में देख भी पा रहे होंगे कि ये एड है। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, आप सिंपली नीचे जाएंगे। जैसे ही नीचे जाइएगा तो अब आपको यहाँ पे एयरटेल का ऑफिशियल लिंक देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो एयरटेल का लोगो है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है www.airtel.in। उसके बाद भी यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा रहेगा प्रीपेड रिचार्ज। तो यहाँ पे आपको बताएं कि जहाँ पे भी आपको www.airtel.in प्रीपेड रिचार्ज लिखा हुआ दिखे तो आपको सिंपली इसी लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए हम सिंपली इस लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करके अब इस पेज पे आइएगा तो अब आपके सामने यहाँ पे कुछ अपडेट का नोटिस दिखेगा। तो आप सिंपली यहाँ नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताएं कि इस पेज पे आने के बाद, यानी कि एयरटेल प्रीपेड रिचार्ज के पेज पे आने के बाद, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताएं कि आप अपना वही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिस नंबर को आप यहाँ पे रिचार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में रिचार्ज का अमाउंट इंटर करना है, यानी कि आप कितने का रिचार्ज करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पे आप इंटर करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप चाहते हैं रिचार्ज करने से पहले अपने बेस्ट प्लान को देखना, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन से रिचार्ज पे क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ ब्राउज पैक्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ब्राउज पैक पे क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने यहाँ पे आपका बेस्ट प्लान आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको कौन से रिचार्ज पे क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, कितने दिन की वैलिडिटी रहेगी और कितना डेटा आपको मिलेगा। तो आप रिचार्ज करने से पहले एक बार इन प्लान को अच्छी तरीके से देख लें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 10 रुपए का टॉक टाइम रिचार्ज करना चाहते हैं अपने नंबर पे, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ टॉक टाइम पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ये रहा मेरा 10 रुपए का टॉक टाइम। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली अपने इस टॉक टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने टॉक टाइम को सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे सामने यहाँ पे पेमेंट का पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको बताएं कि आप भी जब अपने प्लान को यहाँ पे चूज कीजिएगा तो अपने प्लान को चूज करने के बाद आपके सामने भी कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा, यानी कि आपके सामने भी यहाँ पे पेमेंट का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको बताएं कि अपने एटीएम कार्ड से, यानी कि अपने डेबिट कार्ड से अपने मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा क्रेडिट कार्ड / डेबिट / एटीएम कार्ड। ठीक है, तो आप सिंपली फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड का नंबर इंटर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताएं कि आप जिस भी टाइम रिचार्ज करने के लिए बैठिए, आप अपना एटीएम कार्ड अपने साथ जरूर लेके बैठिए क्योंकि आपके एटीएम कार्ड पे सारा चीज मेंशन रहता है। तो यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर को रिचार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे इस बॉक्स में अपने एटीएम कार्ड का नंबर इंटर करना होगा। यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद अब आपको नीचे में यहाँ पे अपने एटीएम का एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर इंटर करना है। यहाँ पे इन दो चीजों को इंटर करने के बाद लास्ट में अब आपको यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड के पीछे लिखे गए 3 डिजिट का, यानी कि 3 अंकों का सीवीवी नंबर इंटर करना होगा। तो यहाँ पे अपना सारा डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सिंपली नीचे मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो फाइनली अब आपके बैंक से रजिस्टर्ड फोन पे एक ओटीपी सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि रिचार्ज करने के लिए आपको अपने फोन में आए हुए उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा।
यहाँ पे ओटीपी को एंटर करने के बाद आप सिंपली मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अब हमारा रिचार्ज यहाँ पे प्रोसेसिंग पे है, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने सक्सेसफुली अपने नंबर को रिचार्ज कर लिया है, यानी कि अपने एयरटेल नंबर को रिचार्ज कर लिया है। तो इस तरीके से आप भी घर बैठे बड़े ही इजली वे में ऑनलाइन बिना किसी एप्लीकेशन के अपने नंबर को रिचार्ज कर सकते हैं।